पिछोर में श्रावण मेला महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। पिछोर में लगने जा रहा है ऐतिहासिक मेला। वैसे तो ये मेला सदियों से श्रावण के मौके पर लगता आ रहा है। इस बार क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी के संरक्षण में ऐतिहासिक मेला 10 अगस्त के 20 अगस्त तक लगने जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति के तत्वाधान में 10 अगस्त को सुंदरकांड का पाठ करके मेले की शुरुआत की जाएगी। प्रतिदिन बस स्टैंड पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मेला समिति अध्यक्ष इंजीनियर कौशल किशोर शर्मा, मेला व्यवस्थापक रंजीत रहोरा, मेला प्रभारी मुकेश पंसारी वहीं रहेंगे। फास्ट समाचार संवाददाता सचिन राजभट्ट ने मेला समिति अध्यक्ष इंजीनियर कौशल किशोर शर्मा एवं मेला प्रभारी मुकेश पंसारी से की खास बातचीत। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन राजभट्ट और आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। पिछोर का ऐतिहासिक मेला जो इस बार पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम और पुलिस ग्राउंड में लगने वाला है, यह मेला बहुत ही भव्य तरीके से लगने वाला है और 10 दिन तक ये मेला चलेगा। 10 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक ये मेला चलेगा। आइए जानते हैं इंजीनियर कौशल किशोर शर्मा जी हमारे साथ खड़े हुए हैं कि किस तरह ये मेले का आयोजन कर रहे हैं। सर, ये जो ऐतिहासिक मेला है, जो श्रावण का पावन पर्व आता है और ये मेला सदियों से यहाँ चलता आ रहा है, इस बार भव्य तरीके से मेला लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। ये श्रावण मेला श्रीमंत महाराज साहब के आशीर्वाद से, जन भावनाओं को देखते हुए, हमारी माताओं बहनों के लिए ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। श्री पिछोर क्षेत्र के ओजस्वी विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी के संरक्षण में यह मेला 10 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 अगस्त तक चलेगा। अच्छा, इस मेले में बहुत से ऐसे मैंने सुना है आयोजन भी होने हैं, तो किस तरह के आयोजन किए जाएंगे? सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे राई है, कवि सम्मेलन है, लोक नृत्य है, लोकगीत हैं, सभी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भावनाओं को देखते हुए हमारी माताओं बहनों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सारे स्कूलों के विद्यालयों के बच्चों के कार्यक्रम हैं 11 तारीख को। इस तरह से एक एक दिन एक एक कार्यक्रम कव्वाली का भी रखा गया है। अच्छा, मैंने सुना है कि इस बार घर घर जाके आप आमंत्रण देंगे मेले के लिए। जी हाँ जी हाँ, हमारे विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी की ऐसी मंशा है कि आप घर घर जाके सभी को आमंत्रित करें और इस पिछोर मेले का जो आयोजन हो रहा है वो सभी को लाभ मिले, सभी आए देखें। हमारे साथ मेला प्रभारी मुकेश पंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। मेला कई वर्षों बाद पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम पुलिस ग्राउंड में लग रहा है और भव्य तरीके से लग रहा है, क्या कहेंगे? यह मेला हमारे पूर्वजों द्वारा लगवाता गया है, यहाँ तक कि हमारे पूर्व राष्ट्र मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी गुप्त थे, उनको भी ये पता नहीं था। वो 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनसे भी एक बार पूछा गया था तो उन्होंने भी नहीं बता पाया था कि ये मेला कब से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक लोगों ने इस मेले को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन आज हमारे श्रीमंत महाराज साहब सिंधिया जी के आशीर्वाद से और हमारे माननीय विधायक श्री प्रीतम सिंह लोधी जी के अथक प्रयासों से आज ये मेला पुनः अपनी जगह स्थापित हो रहा है। इससे लोगों में हर्ष है, माताओं बहनों में हर्ष है और यहाँ की जनता और बच्चों में बहुत खुशी का माहौल है कि ये मेला निरंतर चलता रहे। हमारी धरोहर है मेला, ये वास्तव में ये मेला यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमारे अध्यक्ष इंजीनियर कौशल किशोर शर्मा जी, जिसकी इनकी समिति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, इसके माध्यम से ये मेला लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ नगर पंचायत भी है, लेकिन हमारे 13 पार्षदों की सहमति से ये मेला इनके लिए दिया गया है, इसलिए मैं 13 पार्षदों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ इसमें। तो यहाँ मुकेश भंसारी जी ने बताया और इंजीनियर कौशल किशोर शर्मा जी ने भी बताया कि ये मेला भव्य तरीके से लगना है और घर घर जाके सभी को आमंत्रण भी करेंगे और मेले के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से ये ऐतिहासिक मेला जो पहली बार पिछोर में दो जगह, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम और पुलिस ग्राउंड, दो जगह ये मेला भर रहा है और साथ ही साथ 10 दिन तक कई कार्यक्रम भी बस स्टैंड पर किए जाएंगे, जिसमें क्षेत्र के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस मेले में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सचिन राजभट्ट, फास्ट समाचार, पिछोर। इनका और ले दे व्यवस्था, दुकान पहले आएगी, पहले एक सेकेंड।